Yo, what's happening guys? My name is Loggy और guys यहाँ पर इंट्रो करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि चपाती वाले बहुत बड़ा यहाँ पर झोल कर दिया। क्या कर रहे हो भाई, बैट नीचे कर दो। जिसके हाथ में बैट होता है ना, वो बंदा लिटरली झोल कर सकता है, ठीक है ना? क्या बोला, वो भाई सब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एक सेकंड में दिखाता हूँ, कैमरा फ्लिप कर लूं और ये देखो यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर कोई हैकिंग नहीं चल रही है, ये लिटरली हमारे साथ बहुत बड़ा टेक्निकल इशू यहाँ पर हो चुका है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये है गाइस अपनी छोटी सी ड्राइव जिसके अंदर हमारी 3-4 वीडियोस पड़ी हुई हैं और ये एक्चुअली यहाँ पर खराब हो चुका है। और 3-4 वीडियोस नहीं, इसके अंदर बहुत 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 डेटा पड़ा हुआ जो कि हमको चाहिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वही तो यार, लिटरली लॉगिन ने अभी स्टोरी डाली है और मैंने स्टोरी में बोल के रखा था कि अगर बाय चांस टच वुड अगर ये नहीं चलती तो मैं 1 महीने छुट्टी पे जाने वाला था। लिटरली ये छोटी सी चीज, ये डिप्रेशन है। वही तो यार, ये कभी है तो डिप्रेशन देखी है, नहीं देखी तो ये देखो, ये डिप्रेशन हमारे लिए भाई। एटलीस्ट पिछले 1.5 घंटे से हम इसको यहाँ पर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हाथ कांप रहे थे भाई, वही तो यार, आपको लगा था कि नहीं चलने वाला भाई, तो दीवार को मार रहे थे, नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, सब कुछ ट्राई किया। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या ट्राई। तो बेसिकली हम नॉर्मली अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर और उसको ड्राइव को वहां पर डाल के ना लाइक पूरा बैकअप कर लेते हैं, लेकिन जब हमने ड्राइव डाली तो हमारा कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं कर रहा था। मेरे को लगा कि ऐसा हो नहीं सकता, फिर वही चीज हमने लैपटॉप के अंदर डाली तो लैपटॉप ने भी डिटेक्ट नहीं किया। अभी मेरे को पक्का यकीन हो चुका था कि मेरी ड्राइव खराब हो चुकी है। फिर उसके बाद हमने ये लॉगी की फोन जो कि USB-C कनेक्शन है इसके अंदर, तो हमने इसके अंदर डाला, नहीं चला, लेकिन इसने भी डिटेक्ट नहीं किया। एंड एट द सेम टाइम हम अपना छोटा सा, हमारे पास एक USB है, हम ये ट्राई कर रहे थे हर एक कंप्यूटर के अंदर, तो ये चल रहा था लेकिन वो ड्राइव नहीं चल रही थी, तो हमारा शक जो है एकदम यकीन ने बदल चुका था कि हमारी ड्राइव सड़ चुकी है, फूक चुकी है। हमने तीसरे लैपटॉप के ऊपर ट्राई किया, वो भी नहीं चला। अब मेरे को 100% कंफर्म हो चुका था कि इतने सारे PC खराब नहीं हो सकते, पंगा ड्राइव में ही है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये ड्राइव का जो इंक्लोजर है कवर, इसको उतारते हैं और अपने मदरबोर्ड के ऊपर लगाते हैं। तो मेरे पास वो पुराने वाला PC पड़ा हुआ था, तो मैंने इस वाले मदरबोर्ड के ऊपर जो है वो लिटरली जो M2 की चिप होती है वो मैंने यहाँ पर लगा ली है। लकली ब्रो, उसके बीच में भी तो झोल था, ये PC ऑन नहीं हो रहा था, PC खराब है यहाँ। इसको मार पीट के इसको ऑन किया। प्रॉब्लम ये है कि ये वाला PC कभी भी ऑफ हो सकता है। इस PC की मेन प्रॉब्लम ये थी, ये बेसिकली हमारा पुराना PC है। अब इसकी मेन प्रॉब्लम पता है क्या, ये 2018 में बनाया था ना हमने। अब इसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि ये किसी भी समय बंद हो सकता है, कि ये प्रॉब्लम ही यही थी, ओरिजिनल प्रॉब्लम PC की यही थी कि ये किसी भी समय ये जवाब दे सकता है। 1 सेकंड चले, 5 सेकंड चले या 5 घंटे चले, कोई पता नहीं है। सर जी अपने मालिक है, किसी भी सेकंड आते हैं, किसी भी सेकंड भाग जाते हैं। फिलहाल 11 मिनट से, फिलहाल अभी हमारे पास 11 मिनट बचे हैं, तो प्लीज बंद मत होइयो, प्लीज बंद मत होइयो यार। ये देखो भाई, बात इतनी बढ़ गई कि चपाती भाई ने टूल बॉक्स निकाल लिया। ये छोटे मोटे पुर्जे पुर्जों से काम नहीं चलने वाला है, तो भाई बड़े हथियार निकालते हैं ब्रो। भाई ऑब्वियसली ग्राफिक्स कार्ड उससे अनस्क्रू होता ही नहीं है। अगर पूरा डेटा सक्सेसफुली बैकअप हो गया तो तू हमको आज ट्रीट देगा। अच्छा, कौन सी ट्रीट चाहिए चपाती भाई, बोलो। हाँ, टेंशन मत करो भाई, मैं आपके लिए अंडे यहाँ पर उबाल दूंगा, टेंशन क्यों करो। मेरे को, मैं खाऊंगा PUBG की तरह स्पेशल चिकन डिनर। अच्छा, चिकन डिनर चाहिए आपको, ठीक है चलो। अगर ये ठीक हो गया, हो जाइए। गाइस ये भी खड़ा हूँ और हर 2 मिनट बाद माउस हिला रहा हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता कि ये पावर सेवर मोड के अंदर जाए, ठीक है ना। सही है सही है। और अगर ये PC यहाँ पर ठीक हो गया और सब लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक का बटन यहाँ पर दबा दिया, तो मैं चपाती भाई के लिए एकदम से बढ़िया वाला डिनर तैयार करूंगा। चपाती भाई वैसे टाइम तो इसके ऊपर काफी ज्यादा है, पहले एक काम करो, ये चादर पहले ठीक कर लो। क्या हो गया, क्या हमारी छत लीक हो रही है ना यहाँ से, किधर से? ओ ये क्रैक बना हुआ है। जनवरी से देखो, मैं दिखाता हूँ, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, अभी मार्च चल रहा है, मार्च भी गया, अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल शुरू हो चुका है, अप्रैल भी जाने वाला है, बारिश खत्म नहीं हो रही, लिटरली भी बारिश हो रही है। एक वाकई हो रही है क्या भाई, सुबह तो यहाँ पर धूप थी, अप्रैल में गर्मियाँ पड़ रही होती है भाई। ये देखो शीशा देख रहे हो, शीशा देख रहे हो, शीशा फुल प्रूफ है। बेसिकली 5 महीने से मैं पता है क्या चक्कर है, मैं बिल्डर को फोन कर रहा हूँ, बिल्डर बोल रहा है लुपड़ी है, बारिश तो खत्म होने दे, तभी आकर रिपेयर करेंगे ना। अब उनकी भी गलती नहीं है, बारिश के अंदर सबके ऊपर कौन जाए,
और हमारी छत पे गाइस इंडिया की तरह फ्लैट नहीं है, आपको पता ही होगा, ट्रायंगल वाली है ना, लाइक ऐसे अगर जरा सा फिसले तो सीधा गटर में जाओगे नीचे, घर भी एकदम से ऊंचे पॉइंट पे बना हुआ है आपका, तो नीचे तो ये बेसिकली हमारी छत ली गोरी थी, तो वो देखो धाग वाला दिख रहा है भाई, वहां से दिख रहा है वो पूरा मैट्रेस के ऊपर गिर गया, तो मेरी महंगी वाली मैट्रेस जो है खराब हो गई, अभी मैंने एक और मंगा के रखी हुई है, पता नहीं कब आएगी। अब पता क्या चक्कर है, क्या 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 लूबड़ी है ना, अब देखो ये वाली छत जो है ये भी तो खराब है, ये भी लीक होने वाली है, और ये वाली मैट्रेस समय ये पानी यहाँ पर आ सकता है, अब मैं समझदार बंदा इसको आके उठा के कहीं और रख लेगा, लेकिन नहीं हम पहले पीसी ठीक करते हैं। लेकिन एनीवेज पीसी को तो अभी बहुत ज्यादा टाइम है, तो एक काम करते हैं आगे बढ़ने से पहले चपाती भाई के प्लांट यहाँ पर पड़े हुए हैं, और ये चाय का कप पहले मैं साइड में, चपाती भाई चाय का कप जाओ धो, ये कल से पड़ा हुआ है क्या कर रहा है मुझे यार, समझा तू। वैसे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो ली भाई, मैंने आज तक लाइफ में कभी पानी नहीं दिया पौधों को, खुद को भी पानी दिया, लगा अरे खुद को तो मैंने दे दिया है, वैसे कितना डालना होता है इसके अंदर, हल्का सा डालना होता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कभी गर्मी आने वाली है ना, तो गर्मियों में मैं इनको डेली पानी देता हूँ, सर्दियों में लाइक एक हफ्ता चल जाता है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है, पर पता नहीं कब आएगी। रोज मैं आपको एक और बात बताता हूँ, चपाती भाई की शॉकिंग न्यूज यहाँ पर आ चुकी है भाई, तो ऑब्वियसली सबको पता है कि चपाती भाई को यहाँ पर चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन चाय में मेन चीज है शुगर, और वो चपाती पाने यहाँ पर कम्प्लीटली बंद कर दी। महीना गाइस ट्राई करने वाला हूँ कि लाइक एक महीना अगर मैं शुगर नहीं खाता तो क्या होगा भाई, आई डोंट नो। तो कम्प्लीटली बंद नहीं की, बस मैं दिन में 5 टाइम चाय पीने की जगह 1 टाइम चाय पी रहा हूँ, तो कम्प्लीटली बंद नहीं की मैंने, बहुत 90% कम कर दिया मैंने। नाइस है भाई, नाइस है, और वैसे यार फ्रूट के अंदर शुगर है क्या, नेचुरल वाली अलाउड है क्या, खराब मत कर प्लीज यार, पहले से ही ड्राइव खराब है मेरा, सड़ चुका है यार। अरे ड्राइव तो ठीक हो चुकी है, और शुगर के साथ साथ ये भी थोड़ा सा बंद कर दो, ये देख रहे हो पूरा स्टैक पड़ा हुआ है घी का, घी बढ़िया है, तो घी इज गुड फॉर यू, डॉक्टर से पूछ के खाना ठीक है, ये ना हो कि कल तुम तो चम्मच भरे भरे घी खा रहे हो और बोल रहे चपाती ने बोला था, नहीं अभी आ रही है चपाती भाई की नई फेवरेट डिश, दही वाले संतरे तो नहीं है लेकिन दही वाली बेरियां हैं। हमारा थोड़ा बहुत स्टॉक कम हो चुका है तो मैं तेरे को थोड़ा सा दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो साथ में फिर हनी भी डालूंगा, और ये कौन सी वाली है, ऑरेंज ब्लॉसम हनी डाल दो भाई, एकदम से मस्त लग रही है ये वाली नई नई हनी, तो ऐसा मारा भाई, सैटिस्फाइंग वीडियो बना रहे हो, और साथ में मैंने एक और चीज नोटिस किया, ये क्या है, ये इरेजर है, ये क्या है भाई, ये गाइस आप गेस करो ये क्या है, इससे भाई चूहे का ट्रैप लग रहा है, अरे नहीं मैं दिखाता हूँ कैसे होती है, और वो भी भाई आपने एक नहीं दो रखे हैं भाई यहाँ पर, अरे यार मेरे को शार्प छुरियां चाहिए खाना पीना बनाने के लिए, और घुसते मत वीडियो बना ठीक है ना, तो बेसिकली गाइस इसको यहाँ पे रखना होता है, सबसे पहले आपको आपने इसको 10 मिनट पानी के अंदर रखना ठीक है, ओके, और एकदम आपने 45 डिग्री एंगल पर आपने ऐसे करना। एनीवेज चलो भाई ये दही वाली बेरियां ट्राई करते हैं, भाई सब दही तो आई नहीं चम्मच के ऊपर, मस्त है भाई, हनी भी बहुत ज्यादा टेस्टी है, तो ये देखो गाइस मेरा डेटा यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है सिर्फ 10 सेकंड के अंदर, इसके बाद आने वाला चपाती भाई का डेटा। तेरा डेटा कितने में बैकअप हुआ था भाई, सिर्फ 20 मिनट लगे अप्रोक्सीमेटली, ओके अभी मेरा नहीं ओके कम्प्लीट हो गया, आ जाओ जरा देखते हैं, ओके तो ये रहा मेरा वोल्टर जिसका नाम है मी, एंड अगर मैं इसको ड्रैग करके देखूं तो कितना टाइम लगेगा, कैलकुलेशन मार रहा है, ओ भाई साहब 1 hour 15 minutes, भाई साहब ये तो 4 times ज्यादा हो गया मुझसे तो, और एक और बात चपाती भाई मैं आपको बताना भूल गया, ये जरा कपड़े यहाँ पर साफ कर लो भाई, कितनी ज्यादा टी शर्टें आ गई है आपके पास, कभी पहनी भी नहीं वाली, ये टैग दिख रहा है भाई मुझे, टैग दिख रहा है, पहनी भी नहीं, ये नहीं अगर मैं कुछ भी निकाल, अच्छा यहाँ पर भी पड़े हैं, कुछ भी निकाल, इसके ऊपर भी टैग लगा हुआ है, अच्छा मेरी है, अरे लेट्स गो चपाती भाई ने भाई एकदम से बढ़िया वाला गिफ्ट दिया मुझे, कैसी है जरा मैं पहन के तो देख लूं, साइज तो बड़ा नहीं, जरा क्यों पूरी पहनना, हाँ ये लो भाई अच्छी है ना, थोड़ी बहुत खुली है तेरे ऊपर, बट यार सोने के लिए सही है यार, सही तो है ना, ये मैं जब पता नहीं कब मैं इंडिया जब जाऊंगा ना मैं यही वाली पहनूंगा, नहीं बढ़िया एक्चुअली नॉट बैड है, पीछे मेरे को देखियो बढ़िया है ना, नाइस है, आओ मैं तेरा टैग हटाता हूं, इधर इधर आपको याद है ना आपको बिल भरना है यहाँ पे, वही कर रहा हूँ साथ में गेम भी खेल रहा हूँ, आ चुकी है, हार जाओगे चपाती भाई, ये चलो जीत के दिखाओ, ऊपर उसकी हालत बिल्कुल खत्म होने वाले, मैं जीत जाऊंगा अभी देखियो, अभी अगर मैं मैग्नीफाइंग ग्लास इसके ऊपर लगा के चेक करूं कि अंदर कौन सी बुलेट है, तो अंदर हो गया कौन सी बुलेट है, असली बुलेट है, और अभी ही बंदूक चक के सीधा कलपट्टे के ऊपर बिंग बड़ूम, मैंने देखा मेरी गेम की तरफ, और मैं जीत गया, और पूरे 1.5 घंटे के बाद फाइनली कंप्लीट हो चुका है, इसको पहले आराम से यहाँ पर रख लो,
भाई अभी जाओ दूसरे पीसी पे, अभी इसको बैकअप करो भाई, दिमाग खराब मत करो, पूरा दिमाग हिला हुआ ठीक है। और अभी चलते थोड़ा बहुत खाने पीने खाते हैं भाई, बहुत भूख लगी। चलो चलो चपाती, आपको तो ऑलरेडी पता होगा कि किधर जाना है। कहाँ जाना भाई? वो जो B&Q की बगल में जो शॉप है ना। अरे B&Q का नाम मत ले ब्रो, तो आज जैसे मैंने बता के रखा ना, राज रोटी जो है लॉगी बना के देगा। अरे आपको मैं एकदम से VIP खाना दूंगा, VIP। मैं तेरे को बोल के रखा था जैसे पबजी के अंदर वो चिकन डिनर होता ना, मेरे को वैसे ही खाना ठीक है। अरे बिल्कुल वही मोटे मोटे चिकन वाले पीस आपको दे लाऊंगा। तो जब तक गए थे चपाती पे अपना बिल भरते हैं इंटरनेट का, मैं ब्रोकली यहाँ पर रेडी कर देता हूँ, और इसके अंदर मुझे डालना है अभी पानी, और आई थिंक इतना यहाँ पर इनफ होना चाहिए। चलो सारी खाली कर लेते हैं, देयर वी गो। चलो 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 चपाती भाई, वो रहा भाई अपना सुपर स्टोर दिख रहा है, और ये रही चपाती भाई की शॉप। जरा आगे लेना मत कर, दूसरे बंदे कभी स्पॉन्सर। ये रही चपाती भाई की फेवरेट शॉप B&Q। फेवरेट शॉप थी, अभी अभी नहीं है ठीक है, अभी फेवरेट शॉप थी। अभी चपाती भाई की फेवरेट शॉप, वो सामने अपना स्टोर होने वाला है। यहाँ पर प्रोटीन मिलता है, वही मेरी फेवरेट शॉप है भाई। और वेदर देख रहे हो आज का भाई, कितना ज्यादा क्लाउडी है यहाँ पे, ठंडा मौसम है, ठंडा टेम्परेचर की तरफ देखे तो पूरे 12.5 डिग्री है भाई, मतलब की कूल कूल मौसम है, इतनी ठंड नहीं है, इतनी गर्मी भी नहीं है, मतलब कि बंदा आराम से। ये बाइक वाला सीजन आ चुका है वो, ये जहाँ पर आप सामने वो जंगलों में जाकर साइकिल चलाते हो ना, उसी का सीजन आ चुका है। सामने देखा, सामने जंगलों में ही बेस्ट साइकिल चलती है। चपाती भाई एक काम करते हैं, चिकन को मारो गोली, आ जाओ भाई, बॉइल्ड चीजें लेते हैं यहाँ पे। मेरे को नहीं खानी बॉइल्ड चीजें, ये तो ऑलरेडी घर पे तैयार बन रही है। गाइस हम यहाँ पर सुपरमार्केट के अंदर तो आ चुके, और चपाती भाई अभी बता रहा हूँ, अगर आपने कच्चा माल लिया तो खुद आपको बनाना पड़ेगा। मेरे को कच्चा माल लेने का कोई शौक नहीं है, आज की ट्रीट होने वाली है लॉगी पर। अरे मैं आपको देता हूँ ना मोटा चिकन, आ जाओ भाई। ये देखो यार ये वाला माल देखना, मेरे को एकदम से जूसी चिकन डिनर की याद आ चुकी है, पूरी पबजी वाली। यही ले ले, ये क्या है, क्या ये क्या है, बड़े वाला मजे क्या है, ये बच्चा है लगता है। Can I have this one please? Okay bro, mission एकदम से accomplished. चिकन आ गया भाई हाथ में, ब्रिटिश चिकन है भाई, झंडा भी लगा हुआ इसके ऊपर। चपाती भाई यहाँ पर खाएंगे इंटरनेशनल चिकन। तो क्या कर रहे हो, इंसानों की तरह खोल लो। ये बहुत खराब था बचपन में भाई, पहले बीच में काटो, और मुझे तो ये वाला लेग पीस चाहिए मुझे, और अभी बता रहा हूँ आपको तीन बंदों के लिए यहाँ पर रखना है। लिटरली पबजी वाला चिकन ले रहा है, पबजी के अंदर होता ना गेम के अंदर, वही लग रहा है मेरे को तो, लिटरली वही लग रहा है। दिस इज वेयर द मैजिक हैपेंस, सिजलिंग हॉट, और लंच इज सर्व्ड, एकदम से बढ़िया यहाँ पर लग रहा है। जरा मैं इसको ट्राई तो करके देखूं भाई, इंटरनेशनल चिकन एकदम से बढ़िया है, मेरे को तो खाने दे इंटरनेशनल भाई साहब, तो साथ में चटनियां भी डाल रहे हो। और आई थिंक अभी इस ब्लॉग में इतना ही काफी है, तो गाइस अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और मैं आपको तो नेक्स्ट वीडियो में चलना, टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।